कल हमने ये सॉकेट आईओ का सर्वर बना लिया था और आज हमने कवर ये करना था। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं कवर नहीं करूँगा ये। अच्छा भाई, तो मैंने कहा था कि हम सिक्योरिटी इसकी कवर नहीं करेंगे सॉकेट आईओ की, लेकिन मुझे लगा यार कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जब तक ये रिक्वेस्ट सिक्योर नहीं होगी ना तो ज़रा मसला रहता है फिर। ठीक है, हमने HTTP की जो रिक्वेस्ट थी, हमारा HTTP सर्वर जो था उसको हमने JWT से सिक्योर किया था, तो सॉकेट को भी हम क्या कर रहे हैं, JWT से सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बावजूद इसके कि हमारे पास JWT के अलावा भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, HTTP सर्वर में भी मौजूद हैं ऑप्शंस और सॉकेट को भी सिक्योर करने के लिए JWT के अलावा भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल। ठीक है, लेकिन JWT जो है वो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने जब JWT पहली दफ़ा पढ़ाया था उस वक्त उन्होंने बता दिया था। वो क्या बेनिफिट्स हैं, कोई रिकॉल कर पाएगा? JWT हमने क्यों पढ़ा था, भूल गए सारे? मैंने कुछ एक दो रीजंस बताए थे कि इस वजह से हम JWT पढ़ रहे हैं, कोई और इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, हाँ डिकोड कर सकते हैं, बिल्कुल, वो तो दिख गया था डिकोड करके। जो JWT का टोकन है वो तो पार्स हो सकता है, अरे पार्स करो तो अंदर पेलोड दिख जाता है। अच्छा, एक रीज़न तो इसने ये बता दिया कि अच्छा यार, जितने भी इंटरनेट के ऊपर जितने भी ऑथेंटिकेशन है ना, उसमें जो JWT वाली अप्रोच है जो, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। तो JWT अगर समझ आ जाएगा तो बाकी सारे बड़े आराम से समझ आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सारों में ऑन द टॉप ऑफ JWT मज़ीद चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अप्रोच यही वाली होती है सब में। तो एक तो रीज़न ये हो गया, और बताओ कौन कौन सी मैंने बात की थी। मैंने तीन चार रीज़न्स बताए थे कि इन रीज़न्स की वजह से हम JWT का इंतखाब किया है, क्योंकि देखो यार, क्लास में टाइम लिमिटेड है ना, कोई एक चीज़ पढ़ सकते हैं, तो मैंने उसमें मुंतखब किया JWT को, जो HTTP की API को सिक्योर बनाने के लिए हमने JWT का इंतखाब किया। तो मैंने दो से तीन रीज़न्स और भी बताए थे, एक तो आ गया, एक रीज़न और आप में से कोई बता देना तो मज़ा आ जाएगा। वो तो टोकन तो फ्रंट एंड से लेके जाते हैं ना, टोकन की टाइप JWT है, टोकन तो हर हाल में लेके जाना ही होगा फ्रंट एंड से, टोकन की टाइप JWT है। JWT वाली टाइप हमने क्यों सेलेक्ट की थी, हम SHA-256 भी तो कर सकते थे, हम OAuth भी तो कर सकते थे, OAuth के अंदर जो पूरा पूरा फ्लो है, ऑथराइजेशन फ़्लो, हम वो भी तो कर सकते थे, JWT क्यों किया हमने? चलो एक रीज़न और मैं बता देता हूँ, JWT की जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, जब मिसाल के तौर पर टोकन जनरेट करके मैं दे देता हूँ यूज़र को, जब यूज़र टोकन वापस लाता है तो मैं ऑफलाइन उस टोकन को चेक कर सकता हूँ कि ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, दूसरे वालों के अंदर ये ज़रा मसला होता है, जैसे OAuth का जो फ्लो है उसके अंदर मैं ऑफलाइन नहीं चेक कर सकता, मुझे डेटाबेस में क्वेरी मारनी पड़ती है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आया कि ये टोकन वैलिड है या किसका है, ये क्या सीन है। तो ये ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन भी कहलाती है ये। ठीक है, इसको मैं ऑफलाइन चेक कर सकता हूँ कि मेरा ये टोकन सही है या नहीं है। अच्छा, बावजूद इसके कि मेरे सर्वर तक रिक्वेस्ट आएगी उसी सूरत में जब बंदे के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा, लेकिन मेरे सर्वर से मुझे मज़ीद कहीं और नहीं भेजना पड़ता है इसको। ठीक है, कुछ फ्लोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, डेटाबेस में सेव होता है यूज़र, और इस वक्त जो सेशन टोकन है वो भी डेटाबेस में सेव होता है। तो जब भी कोई नया टोकन लेकर आता है बंदा, तो मैं डेटाबेस से जाके पूरा यूज़र एक्सट्रैक्ट करके लाता हूँ कि ये बंदा कौन है। तो मेरे पास हर रिक्वेस्ट के ऊपर ना डेटाबेस की एक एडिशनल क्वेरी आ जाती है। JWT में हमें उसके बगैर काम हो जाता है हमारा। ठीक है, हम यूज़र की ID, यूज़र की ईमेल जो है वो टोकन के अंदर ही रखवा देते हैं पेलोड में, और वो हर दफ़ा डिकोडेड के अंदर मुझे वो मिल जाता है, खुद ही मिल जाता है मुझे। ठीक है, तो लिहाजा मुझे डेटाबेस में जाके चेक नहीं करना होता कि अभी जो यूज़र मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आया है यूज़र कौन है, मैं उसके टोकन के अंदर से ही उसकी ईमेल आईडी या उसका अंडरस्कोर आईडी जो भी रखा हुआ होता है मैंने वो निकाल के मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो लिहाजा JWT को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने वो किस तरह से किया था। हमारे पास ये HTTP रिक्वेस्ट आती है, हमारे पास ऑथ राउटर है, इसके अंदर वो लॉगिन और साइनअप के राउट्स बने हुए हैं। तो जब बंदा लॉगिन करता है, लॉगिन करते हुए चलते हैं लॉगिन की API के ऊपर, हम लॉगिन करता है जब बंदा, तो अपना ईमेल और पासवर्ड साथ लाता है वो, और हम क्या करते हैं, यूज़र को डेटाबेस से निकाल के लाते हैं कि जी इस ईमेल से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर मिल जाता है मुझे यूज़र तो मैं क्या करता हूँ, उसके रिक्वेस्ट में जो पासवर्ड भेजा है उसने अभी और जो यूज़र का डेटाबेस में जो पासवर्ड सेव है, इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ किसके ज़रिए, ये वेरीफाई हैश का फंक्शन है जो मेरा
बिक्रिप्ट इनजी करके लाइब्रेरी में, उसके ज़रिए मैं चेक करता हूँ कि जी पासवर्ड जो भी भेजा है इसने और डेटाबेस में जो उस पासवर्ड का हैश स्टोर है क्या वो दोनों एक ही है। तो अगर वो कहता है कि हाँ एक है, तो मैं यहाँ पे से एक JWT का टोकन साइन करता हूँ। ठीक है, JWT का टोकन साइन करते हुए मैं क्या बोलता हूँ, कुछ डेटा रखवा देता हूँ पेलोड के अंदर जो कि टोकन के अंदर ही स्टोर हो जाता है। हर दफ़ा जब भी रिक्वेस्ट वापस आती है तो मुझे ये डेटा एज इट इज़ मिल रहा होता है। ठीक है, साथ में मैं अपना सीक्रेट रखवा देता हूँ इसके अंदर जो कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में मुझे पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक्सपायरी सेट करवा देता हूँ कि कितनी देर में ये टोकन एक्सपायर हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने एक्सपायरी सेट करवा दी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस टोकन को रखवाऊंगा कहाँ, HTTPS ओनली कुकीज़ के अंदर। ठीक है, HTTPS ओनली कुकीज़ जो है दैट इज़ द ओनली जगह जहाँ पे आप इस टोकन को रखेंगे तो ये सिक्योर होता है। ठीक है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सारे अनसिक्योर हैं। अगर आप किसी और जगह रखवाते हैं इसके अलावा तो वो सिक्योर नहीं है इस वक्त। ठीक है, इवन इसके अंदर भी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन वेल बेस्ट ऑप्शन इस वक्त यही है। ये जितने भी गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ये सारे इसी के अंदर स्टोर करवाते हैं HTTPS ओनली कुकीज़ के अंदर। ठीक है, नेटफ्लिक्स वगैरह भी सारे ही है, लेकिन वो इसके अंदर भी कुछ अब वल्नरेबिलिटीज़ देखने में आ रही है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों ये हुआ था नेटफ्लिक्स के साथ कि नेटफ्लिक्स का बंदा अकाउंट लॉगिन करता था और अकाउंट लॉगिन करने के बाद कुकीज़ तो दिख रही होती हैं, मतलब मैं खुद लॉगिन कर रहा हूँ मुझे तो कुकीज़ दिख रही हैं। तो होता ये था कि वो कुकी पूरी की पूरी लोग कॉपी करके ना बेच रहे थे। यानी मैंने एक अकाउंट बनाया नेटफ्लिक्स पे और मैंने लॉगिन किया, अब मेरे पास कुकी शो हो गई मेरे ब्राउज़र में, है ना। मैं एज अ यूज़र तो देख सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट को एक्सेस नहीं होता लेकिन मैं देख सकता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा ना, यहाँ पे मुझे कुकीज़ दिख रही होती हैं। ठीक है, ये रहा एक कुकी यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। अबे क्या हो गया, ये गायब कर दिया क्या इन्होंने इतनी जल्दी सुन ली क्या नेटफ्लिक्स वालों की। ये आ रही है ना यहाँ पे, ये रही, ये वो टोकन है जो मेरे पास आया है अभी सर्वर से ना। टोकन के अगेंस्ट मैं ये एक टोकन पूरा सेव करवाता हूँ। इस टोकन को मैं पार्स करूँगा तो ये, क्योंकि मेरा JWT का टोकन है, मैं JWT के प्लेग्राउंड में जाऊँगा तो जो है ना मुझे ये, इसको मैं पार्स करके देख सकता हूँ इसके अंदर क्या है। सही है, ये मैंने पार्स करवाया तो इसके अंदर ये डेटा मुझे मिल गया, नज़र आ गया। अब लोग क्या कर रहे थे कि इस टोकन को यहाँ से, मतलब जितनी भी कुकीज़ है ना जो netflix.com ने यहाँ सेव कराई है, यहाँ दिख रहा होता है ना कि किसने सेव कराई है, मेरे URL के अगेंस्ट देखो कुछ कुकीज़ मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह मैं अगर जाऊँगा तो मेरे पास क्या होगा, कुछ जिस भी वेबसाइट पे जाऊंगा मैं तो उस वेबसाइट की कुकीज़ यहाँ पे दिख रही होंगी, नो मैटर कि वो HTTPS ओनली है या क्या है। लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 10, 12, 15 जितनी कुकीज़ वो सेट कराता है उन सबको कॉपी मारते थे और उन सबको क्या करते थे, एक फ़ाइल में रख के बेच देते थे। 200, 300, 400 जितने में बिक रहा था वो बेच रहे थे वो। ठीक है, अपना अकाउंट उनका जो है वो $10 का है, कितने बनते हैं $10, 3,000 बनते हैं पाकिस्तानी। तो 3,000 का अकाउंट खरीदने के बजाय वो 300 में उसको बेच रहे होते थे। अच्छा, जब लेने वाला क्या करता था, लेने वाला चुप करके जाता था, अपने पहले कंप्यूटर का इंटरनेट डिसेबल मारता था वो, डिसेबल मारने के बाद ब्राउज़र का केशे वेशे सब क्लियर करके और यहाँ पे आके वो कुकीज़ उसी तरह से सजा देता था जैसे उस बंदे के पास सजी हुई थी वो। ठीक है, उसके लिए बाकायदा ऐप्स आ गई हैं, अब गूगल क्रोम के एक्सटेंशन आ गए हैं कि वो कुकी पार्सर करके, तो वो आप उसमें कुकी दो वो खुद से सजाता है। नेटफ्लिक्स की कुकी उसको पता है किधर क्या होती है और वो रोज़ अपडेट होती है। वो जब वो नेटफ्लिक्स वाले अप्रोच चेंज करेंगे, कुकी का नाम चेंज करेंगे, वो समझ जाता है उसको, तो वो उसी तरह सजाता है उसको दोबारा और सजा के वो। और अब आप इंटरनेट ऑन करते हो, netflix.com लिखते हो, पहले से लॉगिन होता है। ऐसा ही होगा ना भाई, अगर मैं ये टोकन यहाँ से कॉपी कर दूँ टक करके और तुम्हें दे दूँ मैं और तुम अपने पास कुकी में इसको सेट कराओ और जब तुम ये खोलोगे ना मेरी वेबसाइट तो ये पहले से लॉगिन होगी, क्योंकि वो तो कुकी को देख के API हिट करता है तो कुकी साथ जाती है। तो अब ये हो रहा था कि एक अकाउंट जो है वो दो तीन लोग इस तरह यूज़ कर रहे होते थे, एक ही कुकीज़ के साथ दो तीन लोग यूज़ कर रहे होते थे। ठीक है, उन्होंने बहरहाल इसको भी किसी तरह से ब्लॉक किया, किसी तरह से ब्लॉक क्या किया, वो एक कुकी को शायद पीछे मॉनिटर करते हैं कि एक कुकी से कितने अलग अलग IPs आ रही हैं या क्या आ रहा है। तो बहरहाल उन्होंने उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया अभी, लेकिन अब हमें ये देखने को मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि यार ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इसका एक्सेस नहीं देना है हमें, बल्कि हमें जो है ना अब यूज़र से भी इसका एक्सेस ख़त्म करना पड़ेगा। यानी जो यूज़र कंप्यूटर चला रहे हैं ना, यानी एज अ एवरेज यूज़र जो है उसको तो नहीं पता कि क्या चीज़ क्या होती है, तो ब्राउज़र्स को अब कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा कि मुझे भी ना दिखे ये एज अ यूज़र। ठीक है, अच्छा एप्पल ये काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, एप्पल ये काम कर रहा है इस तरह जैसे आईफोन के अंदर जो मोबाइल ऐप्स होती हैं उनसे जो रिक्वेस्ट निकलती है, जो तो वो रिक्वेस्ट निकलते हुए उसमें जो कुकीज़ सेव हैं उसमें जो भी चीज़ें सेव हैं, तो इन्होंने कोई वो T2 चिप पता नहीं क्या इन्होंने बनाई है सिक्योरिटी की, तो वो उससे इनक्रिप्ट होकर पता नहीं निकलती है क्या होता है, तो वो एक्सेसिबल नहीं होती। ठीक है, स्टिल
वो एक्सेस किया जा सकता है उसको, अगर कोई बीच में इंटरसेप्टर लगा दूँ, मतलब ये जाहिर है किसी ना किसी इंटरनेट से कनेक्ट है ना ये, तो यहाँ से निकल के राउटर पे जाएगी रिक्वेस्ट, राउटर से आगे जाएगी, तो मैं अगर राउटर पे इंटरसेप्टर लगा दूँगी रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, तो बॉडी नहीं दिखेगी मुझे, हेडर वेडर सारा दिख जाएगा, ठीक है, बॉडी नहीं दिखेगी जस्ट मुझे। तो वेल अगेन इंटरनेट इज स्टिल एवोल्यूशनरी पीरियड से गुजर रहा है अभी, वैसे तो कहने को तो हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये एवोल्यूशन चल रहा है, प्रॉब्लम्स हमारे पास मौजूद हैं। इंटरनेट जो हमारे ब्राउज़र्स के ऊपर चल रहा है ये स्टिल जो है इसके अंदर मसले मसाइल ये वाले मौजूद हैं कि जी हम अब पहले लोकल स्टोरेज में रखते थे तो वहाँ पे इंजेक्शन का इशू आ जाता था कि जी वो दूसरे जो यानी स्टेटिक सर्वर वगैरह जो है ना, और क्या उसको बोलते हैं वो JS CDN नेटवर्क्स जो हैं, तो CDN नेटवर्क जो हैक होते थे तो हमारे पास वल्नरेबिलिटी आती थी। अब ये जो है ना HTTPS ओनली कुकीज़ के अंदर भी ये मसला आ गया है कि भाई बंदे ख़ुद अपनी कुकी निकाल निकाल के बेच रहे हैं। वेल तो फिलहाल अभी बेस्ट ऑप्शन यही है, तो हमने इसको यहीं पे रखवा दिया, ठीक है, और यहाँ पे रखवा के मैंने भेज दिया। तो ये लॉगिन की रिक्वेस्ट मेरी क्या हो गई, यहाँ पे सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गई। अच्छा, अब लॉगिन की रिक्वेस्ट कम्प्लीट हो गई HTTPS ओनली कुकी में, मैंने एक कुकी रखवा दिया, उसके अंदर मैंने अपना JWT का टोकन रखवा दिया। अब होगा क्या कि जब भी अगली रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से की जाएगी तो उस रिक्वेस्ट के ऊपर अगर फ्रंट एंड से मैंने बोला है कि विद क्रेडेंशियल्स ट्रू, तो वो रिक्वेस्ट जब आएगी इधर मेरे पास तो उसके साथ वो HTTP कुकी खुद जुड़ कर आएगी। मैंने मुझे कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं करना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी मुझे फ्रंट एंड के ऊपर, जस्ट मैं लगाऊंगा विद क्रेडेंशियल्स ट्रू एक्सियोस के साथ, तो वो कुकी का जो टोकन है HTTPS ओनली कुकीज से जो टोकन है वो उठ के ऑटोमेटिकली मेरे पास हर दफ़ा सर्वर पे आएगा। अच्छा, जब सर्वर पे वो आता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैंने ये मैं HTTP सर्वर का बता रहा हूँ अभी, मैं सॉकेट पे मैं नहीं आया अभी तक। तो मैंने यहाँ पे एक बैरियर लगाया हुआ है app.use करके कि भाई जो भी API हो ना, ऑथ राउटर ये तो अनऑथेंटिकेटेड है, पहले इसमें दाखिल हो, लेकिन इसमें किसी की मैच नहीं हो, आगे आए इस बैरियर से गुजरेगी अब वो। तो इस बैरियर के अंदर जो मैंने क्या किया हुआ है कि पहले तो मैंने request.cookies.token को एक वेरिएबल में पकड़ा है। अच्छा, ये request.cookies.token मुझे किस तरह से मिल रहा है, ये मुझे इस तरह से मिल रहा है, मैंने ऊपर कुकी पार्सर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो मुझे ये टोकन नहीं मिलेगा, ठीक है। कुकी पार्सर का काम क्या होता है कि असल में कुकीज़ जब आती है ना तो वो हेडर्स में आती हैं, आई थिंक, तो हेडर्स के अंदर वो एक लंबा सा स्ट्रिंग होता है एक्चुअली, वो जेसन फॉर्म में नहीं होता, तो उसको ये जेसन फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है कुकी पार्सर। तो ये टोकन जेसन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो भी था जेसन, तो ठीक है, और मैंने डॉट टोकन उसमें से निकाल लिया कुकी के अंदर। जाहिर है कुकी में और भी कीज़ हो सकती हैं टोकन के अलावा भी, तो मैंने टोकन उसमें से निकाला और टोकन को JWT.verify मारा, मैंने JWT.verify मारा, और वेरीफाई करते हुए मुझे क्या देना होगा, साइन करते हुए जो सीक्रेट मैंने लगाया था वही सीक्रेट दूंगा वेरीफाई करने के लिए भी, तो मुझे ये बता देगा कि ये वेरीफाई हो गया टोकन, ठीक है। वेरीफाई का मतलब क्या है, वेरीफाई का मतलब ये है कि जो टोकन मैंने साइन करके भेजा था क्या ये वही टोकन है या इसमें कोई चेंज हो गया, ठीक है, क्या ये वही टोकन है या इसमें कोई चेंज हो गया। अच्छा, अगर तो ये वही टोकन है तो इसका मतलब है कि जो यूज़र साइन इन हुआ था मैंने उसी की ईमेल रखी थी, तो अभी भी उसी की ईमेल होगी इसके अंदर, ठीक है। तो जस्ट ये मैं वेरीफाई जब करता हूँ तो मैं जस्ट ये मेक श्योर करता हूँ कि जो टोकन मैंने भेजा था क्या ये वही है, और मैंने इसी यूज़र को भेजा था क्या ये वही है या कोई दूसरा आ गया ये, ठीक है। तो इस टोकन के अंदर चेंजेस नहीं की जा सकती, जैसा भेजूंगा एज इट इज़ वैसा ही मुझे वापस करेगा यूज़र, ठीक है, और ये टोकन ही यूज़र की आइडेंटिटी है। और मैं क्या करता था, डिकोडेड करके वो सारा डेटा अपने पास स्टोर भी कर लेता था इस रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर, स्टोर भी कर लेता ताकि वो जब नेक्स्ट करके अगले मिडलवेयर्स पे जाए तो मुझे ये request.body. मिले, ठीक है। बाद में ये हुआ कि request.body. decoded जो है मैंने ख़त्म किया और मैंने request.current user पे उसको शिफ्ट कर दिया, दोनों पे मैंने इसको सेव करवा लिया, ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे ये request.body.decoded सही तरह से काम नहीं कर रहा था। जब मैं मल्टर लगाता था तो वो क्या करता था, बॉडी को रिप्लेस मारता था, लिहाजा क्या होता था, ये चीज़ मुझे मिलना बंद हो जाती थी। तो लिहाजा मैंने क्या कर दिया, request.current user के अंदर भी मैंने रखवा दिया कि जी अगर एक जगह पे ना मिले तो एटलीस्ट मुझे दूसरी जगह पे मिल जाए। और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करते ही फिर ये पोस्ट राउटर पे, फिर ये चैट राउटर पे, और जो भी मेरे मजीद आगे के सिक्योर राउट्स हैं उनकी तरफ ये क्या हो जाता था, मूव कर जाता था और वो सही तरह परफॉर्म हो जाता था। अच्छा, अब यही काम मैंने क्या करना है, मैंने सॉकेट के अंदर भी करना है। अच्छा, तो लास्ट जो मैंने कोड लिखा था उसमें कुछ चेंजेस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे, तो वो चेंजेस मैं आपको यहाँ पे से डिफरेंसेस में से दिखाता हूँ। तो सर्वर के अंदर क्या चेंज हुआ है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। सर्वर के अंदर जो इस वक्त चेंज हुआ है ना हमारे पास,
वो तो चलो ये कॉन्सोल वंसोल मैंने रोके हैं, एक्चुअल जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि पहले मेरे पास जो सर्वर बनता था ना वो न्यू सॉकेट आया वो सर्वर करके ऐसे बनता था, मैंने यहाँ पे एक क्रेडेंशियल ट्रू करके एक चीज़ लगाई है सर्वर बनाते हुए, सही है। और उसके बाद मैंने क्या किया, आई ओ डॉट यूज़, जैसे हम ऐप डॉट यूज़ करते थे एक्सप्रेस के लिए, जो एक्सप्रेस का मिडलवेयर था वो, ये आई ओ डॉट यूज़ है। अच्छा, जब भी कोई नया कनेक्शन जब मेरे पास आएगा मेरे सर्वर के ऊपर तो वो इस आई ओ डॉट यूज़ से होके गुजरेगा, ठीक है, पाइपलाइन मैकेनिज्म के थ्रू। यानी मिसाल के तौर पे ये आई ओ डॉट यूज़ में वो पहले एंटर होगा, उसके बाद कोई दूसरा जो आई ओ मैंने लगाया ना जैसे आई ओ डॉट कनेक्शन, इसमें जाएगा उसके बाद। अच्छा, तो जब मैं आई ओ डॉट यूज़ के अंदर जब ये दाखिल होगा तो मैं यहाँ पे कॉन्सोल कराता हूँ कि ये क्या है, ये सॉकेट मिडलवेयर है, कि सॉकेट के अंदर जब रिक्वेस्ट दाखिल हो तो मिडल वेयर है, बीच में ये फंक्शन है, यानी ये बैरियर का काम कर रहा है। अच्छा, और क्योंकि देखो ऑन द टॉप ऑफ टीसीपी बना हुआ है तो एक्चुअल में ये एचटीटीपी वाली ही रिक्वेस्ट होती है जो सॉकेट पे भी आती है, जस्ट उसमें अप्रोच का थोड़ा फर्क होता है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट जैसे मैंने थ्योरी में जिक्र किया था, ठीक है, लास्ट से लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पूरी डिस्कस की थी सॉकेट कनेक्शन की, तो सॉकेट कनेक्शन में हमने ये देखा था कि सॉकेट रिक्वेस्ट जो होती है वो असल में एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही होती है ना, क्योंकि वो ऑन द टॉप ऑफ टीसीपी बनी हुई है। लेकिन फ़र्क जस्ट इतना होता है कि HTTP रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे और वापस चली जाती है, ठीक है। ऑन अदर हैंड सॉकेट की रिक्वेस्ट जब सर्वर पे आती है तो उसके वापस जाने का जो एड्रेस है वो सर्वर पे सेव हो जाता है, ठीक है। तो एक सर्वर पे उसका वापस जाने का जो है ना जस्ट एड्रेस सेव होता है, मैकेनिज्म पूरा वही है। तो जाहिर है जब वो रिक्वेस्ट आई है तो इसके साथ वो सारी कुकीज़ और वो सारा कुछ जिस तरह HTTP में आता है, हेडर आता है, बॉडी आता है, तो वो सारा कुछ इसमें भी मुझे मिलेगा एज इट इज़ उसी तरह। अब उसमें होगा क्या, दैट इज़ अनदर स्टोरी। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्योंकि क्रेडेंशियल ट्रू लगा दिया था तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा सर्वर HTTPS ओनली कुकीज़ को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड से मैंने कैसे रिक्वेस्ट भेजी उस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो मैंने आई ओ डॉट यूज़ के अंदर क्या किया, जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट दाखिल हुई तो मैंने सॉकेट डॉट रिक्वेस्ट, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ ज़रा ताकि यहाँ पे पूरा दिख पाए ये, ठीक है। पहले ये मौजूद नहीं था, यहाँ पे जो लाइन आ रही है इसका मतलब पहले यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है, अभी ये नया कोड ऐड हुआ है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, जो सॉकेट का ऑब्जेक्ट मुझे मिलता था ना, अच्छा एक्सप्रेस में क्या मिलता था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट कुकी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, इस तरह एक्सेस करता था ना मैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे मिल रहा है सॉकेट का ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट कुकीज। अच्छा, ये मुझे मिली है कुकी। अच्छा, लेकिन ये कुकी मुझे किस फॉर्म में मिली है, ये मुझे मिली है रॉ फॉर्म में। रॉ फॉर्म में जो कुकी होती है वो कैसी दिखने में होती है, वो ऐसी होती है, और रॉ कुकी, ओहो कुकी स्ट्रिंग लिख देता हूँ ना मैं, रॉ कुकी जो होती है वो एक्चुअली स्ट्रिंग फॉर्म में होती है ना, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होती है, ये यहाँ से शुरू है, ये देख रहे हो ये पूरी स्ट्रिंग फॉर्म है, तो ये इस तरह से होती है रॉ कुकी। इसको जेसन में कन्वर्ट करना होता है एक्चुअली। तो मेरा ये जो है ना फंक्शन, मैंने क्या लगाया, कुकी डॉट पार्स। अच्छा, ये कुकी क्या है, एक लाइब्रेरी है, कुकीज़ को पार्स करने के लिए एक लाइब्रेरी है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी एक लाइब्रेरी मौजूद थी कुकी पार्सर, लेकिन उस लाइब्रेरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लाइब्रेरी जो थी ना वो एक्सप्रेस का मिडलवेयर है एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे कोई सिंपल लाइब्रेरी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये दूसरी लाइब्रेरी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कुकी पार्सर का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि कुकी डॉट पार्स। अच्छा, ये कुकी जो है ऊपर इंस्टॉल हुआ है और ऊपर ये रिक्वायर भी हुआ हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ये पहले इंस्टॉल नहीं था, ये मैंने अभी इंस्टॉल किया है इसको। अच्छा, तो मैंने कहा कि कुकी डॉट पार्स, और कुकी डॉट पार्स करने के बाद ना वो रॉ फॉर्म में जो कुकी थी वो मैंने इसको पास कर दी। अच्छा, इस लाइब्रेरी में भी एक मसला है, इस लाइब्रेरी में अगर अनडिफाइन हो जाए ना कुकी समहाउ, क्योंकि कभी नहीं आई फ्रंट एंड से तो अनडिफाइन होगी, तो ये एरर मार देता है, बोलता है भाई ये मुझे स्ट्रिंग चाहिए, अनडिफाइन क्यों दे रहे हो आप। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे ना और लगा के इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास किया था कि भाई अगर ये अनडिफाइन हो जाए ना समहाउ, तो अनडिफाइन ना जाए, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग चला जाए उसकी जगह, ठीक है। तो क्या हो गया ये, ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास किया। अच्छा, लिहाजा क्या होता है, ये पूरा का पूरा कोड जब चलता है तो मेरे पास कुकी पार्स होकर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, और मैं कॉन्सोल किस चीज़ को करवा देता हूँ, मैं कॉन्सोल करवाता हूँ पार्स कुकी डॉट टोकन,
क्योंकि पार्स जो भी मेरे कुकी थी उसके अंदर डॉट टोकन अवेलेबल होगा, अगर टोकन आया है फ्रंट एंड से तो मैं इस टोकन को क्या करता हूँ, वेरीफाई मारता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मेरा टोकन है और ये मेरा सीक्रेट है, अब चेक करके बताओ कि क्या ये टोकन वही है जो मैंने लॉगिन के वक्त दिया था। लॉगिन बंदा कर चुका है लॉगिन और वो डैशबोर्ड पे इस वक्त खड़ा हुआ है और अब वो सॉकेट की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो इसके अंदर मेरे पास कुकी में टोकन आना चाहिए यहाँ पे, और वो वही टोकन होना चाहिए जो मैंने लॉगिन के वक्त दिया है। ठीक है, अगर तो ये डिकोडेड हो जाता है तो मैं कॉल करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब है कि आई ओ डॉट यूज से ही आगे बढ़ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये कॉन्सोल आ जाएगा कि न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। अदरवाइज अगर ये नहीं वेरीफाई हो पाता है तो कैच चलेगा और ये क्या कर देगा, एरर फेंक देगा यहाँ से ना। ठीक है, उसको नेक्स्ट तो कॉल कर रहा है लेकिन एरर के साथ कर रहा है, तो लिहाजा ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा और ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा ये। ठीक है, अच्छा, और बस इसके आगे अब सर्वर के ऊपर कोई मजीद कोड नहीं है। अच्छा, अब फ्रंट एंड में क्या चेंजेस आई हैं उसको ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। फ्रंट एंड के अंदर जब मैं पहले कनेक्शन बनाता था अपना तो मैं जस्ट ये करता था कि जी आयो और उसके साथ ये बेस यूआरएल लगा देता था, लेकिन अब मुझे यहाँ से कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ रही हैं। एग्जैक्टली उसी तरह कि जैसे एक्सियोस से जब मैं रिक्वेस्ट करता था HTTP तो मुझे एक्सियोस में विद क्रेडेंशियल ट्रू लगाना पड़ता था, तो फ्रंट एंड से ये चीज़ें अब एक्स्ट्रा हो रही हैं। ठीक है, दो जगह पे मैंने सॉकेट बनाया था, एक app.jsx में और एक chat.jsx में, दोनों जगह इसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन बनाने का जो तरीका था फ्रंट एंड से उसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है। तो मैंने सर्वर की फाइल आपको दिखा दी, फ्रंट एंड में चैट और app.jsx की फाइल दिखा दी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ किसमें, पोस्ट और ऑथ में। ठीक है, इन दोनों फाइलों में भी चेंज है लेकिन इन दोनों फाइलों में मैंने चेंज कुछ भी नहीं किया एक्चुअली, ये कॉन्सोल कुछ लगे हुए थे जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे। ठीक है, तो इन कॉन्सोल्स को मैंने रोका है यहाँ पे। तो एक्चुअली जो चेंजेस हैं वो किस में है, वो सिर्फ सर्वर की फाइल में और चैट में और app.jsx में। अच्छा, package.json में भी कुछ चेंजेस हैं क्योंकि मैंने एक नई लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है इसमें, तो वो ज़ाहिर है यहाँ पे package.json में नोट हो जाती है। ठीक है, और उसकी टाइप्स भी मैंने कुछ इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे। वेल, तो यही पूरा का पूरा काम है जो यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, अब इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ मैं सर आगे ज़रा, क्योंकि कोड तो मैंने पूरा लिखा हुआ था। वैसे आमतौर पे होता ही है कि मैं कोड लिखता जाता हूँ और वो करता जाता हूँ ना, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास क्या है कि कोड पहले से लिखा हुआ था। अच्छा, पहले तो मैं अपना फ्रंट एंड लॉग आउट कर देता हूँ, राइट, रिफ्रेश करूँगा, लॉग आउट है मेरा फ्रंट एंड। ठीक है, मेरा फ्रंट एंड क्या है, लॉग आउट है। मैं अपने सर्वर को रोकता हूँ और सर्वर को रोक के मैं दोबारा चलाता हूँ। अच्छा, ये मेरा सर्वर दोबारा से चल गया रुकने के बाद। अच्छा, मैं जब इस स्क्रीन को रिफ्रेश करूँगा तो दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक क्या होता है, एक तो एक API कॉल होती है प्रोफाइल गेट करने वाली, जिससे मैं चेक करता हूँ ना कि बंदा लॉगिन है कि नहीं है। तो जब मैं इसको, अभी तो देखो कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये कनेक्टेड टू एटलस लिखा हुआ आ गया है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो दो चीज़ें होंगी, नंबर एक प्रोफाइल गेट होगी, app.jsx में लगी हुई है वो प्रोफाइल गेट करने वाली API, नंबर दो एक सॉकेट कनेक्शन बनेगा app.jsx से। ठीक है, जो नोटिफिकेशन के लिए हमने चैनल बनाया था। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोनों रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गई प्रोफाइल वाली रिक्वेस्ट, ठीक है, और दूसरा ये वेब सॉकेट वाली रिक्वेस्ट भी क्या हो जानी चाहिए, फेल हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कोई लाइव कनेक्शन इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक ये लाइव कनेक्शन है बट ये 3000 वाला है, ये जो मेरा NPM स्टार्ट चला हुआ है ना ये उसका है। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट यहाँ पे देखो और लगी है, एक रिक्वेस्ट यहाँ और लगी है, एक रिक्वेस्ट यहाँ और लगी है, बट ये रिक्वेस्ट क्या है, पेंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है ये रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जब मैं आगे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या मुझे नज़र आता है, यहाँ पे मुझे नज़र आता है सॉकेट मिडलवेयर और पार्स कुकी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास, क्योंकि बंदा इस वक्त लॉगिन है ही नहीं, उसके पास टोकन कुकीज़ के अंदर मौजूद है ही नहीं। तो लिहाजा क्या होता है कि जब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है और यहाँ पे सॉकेट मिडलवेयर में दाखिल होती है तो पार्स कुकी में कुछ भी नहीं मिलता, अनडिफाइन मिलता है, लिहाजा ये ट्राई नहीं चलता है बल्कि कैच चलता है और यहाँ से एरर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एरर रिटर्न हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये ऑथेंटिकेशन एरर का ये मैसेज नज़र भी आ रहा होगा ना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसके रिस्पॉन्स में अगर मैं जा पाऊँ, वेल मुझे ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल भी रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं करने लगा हूँ लॉगिन। सही है, लॉगिन मैं कर देता हूँ ये abc@abc वाला जो अकाउंट है इससे। मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो क्या हो गया, मेरे पास अब कुकी मेरे पास डेवलप हो चुकी है
और अब मैं जब जाके यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, न्यू क्लाइंट कनेक्टेड विथ आईडी और दिस दिस दिस, ठीक है ये रहा देखो सॉकेट मिडलवेयर, सॉकेट मिडलवेयर में पार्स कुकी जब मैं देखता हूँ तो पार्स कुकी में मुझे ना ये चीज़ पूरी मिल रही होती है, ठीक है। और इसको जब मैं डिकोड करता हूँ तो मुझे डिकोडेड में ये पूरा का पूरा मिल रहा है, और न्यू क्लाइंट कनेक्टेड करके ये आईडी ऐसे करके मुझे यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब मैं आके अपने नेटवर्क के टैब में देखता हूँ तो मेरे पास एक एक्टिव सॉकेट आयो कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, बल्कि एक यार इसको क्लियर करके एक दफ़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, गुम हो गया वो एक्चुअली, ठीक है। ये मेरे पास एक एक्टिव सॉकेट आयो कनेक्शन लास्ट सेकंड लास्ट पे मुझे नज़र आ रहा है, राइट। इस पर मैं थोड़ी देर हाथ रखता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये एड्रेस 5002 है, ठीक है, जिस पर ये कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास सही है, बस एक ही एक्टिव कनेक्शन है मेरे पास, और ये जो है ये तो 3000 वाला है, ठीक है। लिहाजा अब क्या होगा, अब अगर मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो मेरे पास क्या है, एक्टिव सॉकेट आयो का कनेक्शन मौजूद है, और वो मुझे क्या देगा, वो मुझे रियल टाइम नोटिफिकेशन दे रहा होगा। हाँ भाई, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं एक इसको एक और टैब में खोल लेता हूँ इनकॉग्निटो पे। असल में वो इस वजह से भी नहीं आ रही होगी ना कि मेरा मेरी आईपी लगाई है तुमने, बेस यूआरएल चेंज किया है, बेस यूआरएल चेंज करोगे ना। अच्छा, कौन सा भाई वो था बताओ, वो जम्बो एट द रेट bumpo.com वन, अच्छा DUM है, DUM सही है, 1 2 3 4 5 6 एंटर। अच्छा ये आ गया जी, अब ये किसको मैसेज करेगा, abc.com को करेगा मैसेज, सही है, ये सारे मैसेज तुमने किए हैं, और यहाँ पे आके ये किसको मैसेज करेगा, ये जम्बो को करेगा, ठीक है। तो ये एबीसी का अकाउंट है और ये जम्बो का अकाउंट है। अब जम्बो एक मैसेज करता है यहाँ से, ठीक है, वो रियल टाइम में यहाँ शो हो जाना चाहिए, और एक यहाँ से मैं मैसेज करता हूँ एबीसी, तो वो जम्बो के पास रियल टाइम में शो हो जाना चाहिए, हो गया शो, नहीं नोटिफिकेशन, असल में इसकी स्क्रीन पर मैंने वैसे भी रोका हुआ है ना। अच्छा, अब मैं होम पर चला जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एबीसी से कोई मैसेज करता हूँ तो अब नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए इसके पास, आ गया। असल में वो बेस यूआरएल तुमने चेंज नहीं किया होगा ना, बेस यूआरएल पता है तुम क्या लगाओगे, मेरी आईपी, इस वक्त मेरी आईपी तो तुम्हें पता ही नहीं है, कैसे लगाओगे, कैसे लगाया, अलग होस्ट किया हुआ, कैसे होस्ट तो कर दिया है, लेकिन असल में अभी जो सर्वर रन हो रहा है मेरे पास तो लोकल हो रहा है ना, जो होस्ट वाला है उसमें तो वो लगा हुआ ही नहीं है, वो ये वाला सॉकेट आया सर्वर तो लगा हुआ ही नहीं है, तुम समझ नहीं रहे बात, मिसाल के तौर पर समझो बात को, google.com का सर्वर है, मैंने उसका पूरा कोड उठाया और मैंने अपने एक मशीन पे उसको डिप्लॉय कर दिया, समझ गया ना। अब तो अब मैं अगर अपनी रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे मार रहा हूँ रिक्वेस्ट, तो google.com पे थोड़ी चेंज आएगा। तो हाँ, अगर मैं ये पूरा का पूरा कोड पुश कर दूँ, सही है, पूरा का पूरा कोड पुश कर दूँ और उसके बाद तुम अपने पास चलाओ, अभी तो कोड भी तुम्हारे पास ये पूरा नहीं है जो मेरे पास है, ठीक है, पूरा कोड मैं पुश कर दूँ फिर तुम अपने पास चलाओ और मैं अपने पास चलाऊँ इसको, लेकिन सर्वर या तो तुम्हारी मशीन में होगा या तो मेरी मशीन में होगा, कहीं एक होगा सर्वर, ठीक है। अगर मेरी मशीन में सर्वर है तो तुम रिक्वेस्ट मारते हुए मेरी आईपी डालोगे, फिर लोकल होस्ट नहीं लिखोगे, और अगर सर्वर तुम्हारी मशीन में तो मैं रिक्वेस्ट मारते हुए फिर तुम्हारी आईपी लिखूंगा, लोकल होस्ट नहीं लिखूंगा। अच्छा, तो ये हमने क्या सीख लिया, सॉकेट आयो को सिक्योर करना सीख लिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये कम्प्लीटली सिक्योर हो गया है या इसके अंदर अभी भी कुछ रहता है। हाँ भाई, क्या ये कम्प्लीटली सिक्योर हो गया या इसमें अभी भी कुछ रहता है। अच्छा, मैं जो जहाँ जिस चैनल से मैं रिक्वेस्ट वो भेजता था, ये जो मेरे पास चैट का जो है ना ये एपीआई थी ना, यहाँ से मैं भेजता था ना रिक्वेस्ट, कहाँ गया वो पोस्ट मैसेज, ये रहा पोस्ट मैसेज। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब पोस्ट मैसेज की एपीआई कॉल होती है, ठीक है, बंदा बताता है, क्या बताता है बंदा कि किसको भेजना है मैसेज और क्या मैसेज भेजना है, ये दो बातें बताता है ना बंदा मैसेज भेजते हुए, 1-to-1 मैसेज भेजते हुए, तो 1-to-1 मैसेज भेजते हुए ये दो बातें बंदा बताता है, और मैं क्या करता हूँ डेटाबेस में एक एंट्री मारता हूँ उस मैसेज से अपने स्कीमा के मुताबिक, और
लास्ट में मैं क्या करता हूँ कि एक मैसेज इमिट करता हूँ, दो चैनल पे मैसेज इमिट करता हूँ। एक तो मैंने चैनल बनाया हुआ है जिस बंदे को भेजा जा रहा है उसकी आईडी ही के नाम से एक चैनल बना दिया, एक तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। दूसरा मैंने ये काम कर दिया कि नोटिफिकेशन डैश और उस बंदे की आईडी के नाम से एक चैनल बना दिया, और इन दोनों चैनल के ऊपर मैं ये ब्रॉडकास्ट करता हूँ। अब क्या, अब इसको देखते हुए बताओ कि क्या ये कम्प्लीटली सिक्योर हो गया या अभी भी इसके अंदर कुछ चीज़ रहती है। चलो जल्दी से बताओ, हाँ भाई, एनी ओपिनियंस? हाँ भाई, क्या समझ आया? प्रॉब्लम समझ रहे हो? क्या प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ मैं भाई, बंदा जो है जब तक उसके पास टोकन नहीं होगा वो मेरे सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता, ये तो मसला हल हो गया। जब तक उसके पास टोकन नहीं होगा, जब तक वो मेरे सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता, ये मसला समझ आ गया। अब वो लॉगिन हो गया, अब वो लॉगिन हो तो गया, और उसके बाद उसने किसी ने उसको मैसेज भेजा तो वो अपनी आईडी पे लिसनिंग कर रहा था, अपनी आईडी पे लिसनिंग कर रहा था तो उसको वो मैसेज मिलते थे जो उसको भेजे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर वो लिसनिंग का वो चेंज भी तो कर सकता है, वो तो किसी भी चैनल को लिसन कर सकता है, ना। मिसाल के तौर पे मैं लॉगिन हुआ और मैं चैट की स्क्रीन पे गया, किसी के भी साथ गया चैट की स्क्रीन पे मैं, तो मुझे वो मैसेजेस मिल रहे हैं जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वो वाले मैसेज मुझे मिल रहे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि उसको चेंज करके किसी तुम्हारी आईडी लगा देता हूँ उस पर, तो फिर क्या होगा, मुझे वो सारे मैसेज मिलने लग जाएंगे जो तुम्हें भेजे जा रहे हैं, या किसी भी पर्सन एक्स वाई जेड है कोई जो इस वक्त सीन में मौजूद ही नहीं है, पर्सन एक्स वाई जेड है, उसको उसकी मैंने आईडी लगा ली, उस पर लिस्टिंग शुरू कर दी मैंने। जस्ट मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड ही तो चेंज करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब क्या होगा कि मैं लॉगिन तो अपने ईमेल से हूँ, लेकिन मुझे वो तमाम मैसेज मिलेंगे जो पर्सन एक्स वाई जेड को कोई भेज रहा है, वो तमाम मुझे फीड मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो पूरा प्लेटफॉर्म ही मेरा वल्नरेबल हो गया ना, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पर जो भी कन्वर्सेशन हो रही है वो सारी पब्लिक हो गई, कोई भी किसी की भी बात सुन सकता है ये लिस्टिंग लगा के। अब इसका क्या हल है? कनेक्ट तो नहीं हो सकता बगैर लॉगिन किए, लेकिन लॉगिन होने के बाद पूरे प्लेटफॉर्म में एक एक बंदे के मैसेज देख सकता है वो। हाँ, मैसेज को इनक्रिप्ट कर दूँ, और डिक्रिप्ट कैसे करूँगा फिर मैं उसको? नहीं, इनक्रिप्ट तो कर दूँगा मैं, फिर डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे पहले प्री शेयर्ड की होगी। देखो, इनक्रिप्ट करने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो ये होता है कि मैं एक की हो जिससे मैं इनक्रिप्ट करूं, और वो की मैं सामने वाली पार्टी से पहले ही शेयर कर दूं कि यार ये की होगी जिससे आप, इसको कहते हैं प्री शेयर्ड की से इनक्रिप्शन। अच्छा, दूसरी इनक्रिप्शन ये होती है कि वो पब्लिक प्राइवेट की इनक्रिप्शन होती है, या तो वो होगा। अब मेरे पास वो दोनों पहले से मौजूद नहीं है, क्या मैं वो बनाऊँ? और कोई ऑप्शन, और कोई दिमाग में आ रही है बात? समझ नहीं आई तुम्हारी बात, मुझे रिपीट करो। अपनी अंडरस्कोर आईडी? अब मुझे फ्रंट एंड के ऊपर जो है ना,
देखो पहले तो मैंने शुरू में देखा था चैनल का नाम मैंने ज़रा मुश्किल करके लगा दिया, यूज़र की आईडी एक लंबी चौड़ी आईडी है, लेकिन कोई गैस नहीं कर सकता आसानी से, लेकिन गैस कर लेगा, पब्लिक है आईडी तो मैसेज के वो यूआरएल में भी आ रही होती है, गैस तो नहीं कर सकता लेकिन वहाँ से किसी भी यूज़र पर राइट क्लिक करके उसकी आईडी तो देखी जा सकती है ना, तो यूज़र की आईडी लगाना तो मुनासिब नहीं है। या इस तरह की मैं कोई भी चीज़ लगाऊँ आईडी को और ईमेल को मिला दूँ मैं, तो वो भी कोड में जाके देख लेगा बंदा। अब इसका क्या क्या ऐसा किया जाए कि सिर्फ उसी बंदे को ये मैसेज जाए, किसी और को ना जाए, और एक दूसरे के मैसेजेस को बंदा लिसन ना कर सके, ये मैंने अप्रोच करनी है। अनऑथेंटिकेटेड को तो मैंने फारिग कर दिया, लेकिन जो ऑथेंटिकेटेड लोग हैं वो एक दूसरे के इवेंट्स ना सुन सकें, मैं जिस बंदे को भेजूं इवेंट उसी के पास जाए, किसी और के पास वो ना जाए। अभी वो सबके पास जा रहा है, अभी मैं एक इवेंट मारता हूँ सबके पास जा रहा है, जो जो लिसन करके बैठा होगा सबको सुनाई दे देगा। हमारी अच्छी किस्मत ये कि लिसन कोई नहीं कर रहा अभी, लेकिन कर भी सकता है, कभी करेगा तो मिल जाएगा उसको, मना नहीं करेगा वो। तो हमें अब कोई ऐसी सेटिंग करनी है, सोचो। इंक्रिप्शन नहीं, इंक्रिप्शन तो हम ऑलरेडी सिक्योर नेटवर्क के ऊपर मौजूद है ना, अगर हमें सिक्योर नेटवर्क पे भी दोबारा इंक्रिप्शन करनी पड़े तो फ़ायदा क्या है। वो जो पब्लिक प्राइवेट की वाला जो मामला है ना वो हुआ हुआ है यहाँ पे पहले से, HTTPS पे हम है ना, या WSS पे हैं, वेब सॉकेट सिक्योर पे हम है, तो वो मामला हुआ हुआ है। देखो समझो अब इसको गौर से क्या चक्कर है। देखो जब मेरे पास एक नया क्लाइंट कनेक्ट होता है ना तो मुझे एक आईडी मिलती है ये वाली, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस आईडी के ऊपर भेजता हूँ नोटिफिकेशन तो सिर्फ इसी यूज़र को मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे वो कोई भी चैनल हो, चैनल मैटर नहीं करता, चैनल वन मैं नाम रखूँगा अब, चैनल वन ऐसा नाम है कोई भी लगा दे, लेकिन कोई भी लगा के बैठा होगा ना, जब मैं इस आईडी पे भेजूंगा तो इसी बंदे को जाएगा चैनल वन का और किसी और को नहीं जाएगा। इवन अगर सब लोग 200 लोग अगर चैनल वन को लिसन करके बैठे हुए हैं और मैंने लेकिन इमिट करते हुए बोला कि यार इस आईडी पे जो है ना इमिट करो और चैनल वन टॉपिक है और ये डेटा है, तो 200 लोग लिसन करके बैठे हुए होंगे चैनल वन, लेकिन एक के पास आएगी नोटिफिकेशन, बाकियों के पास नहीं आएगी, सही है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, आ जाओ करते हैं इम्प्लीमेंट।